पास में तीन चीज हो ना तो विदेश जा सकते। बताओ तो तीन चीज क्या है? कौन बोलेगा? पासपोर्ट है, एक वीजा है और एक टिकट। अगर ये तीन चीज हो ना साधारण जगत में, यहाँ से 2 घंटा 5 घंटा का रास्ता है, साधारण जगत में अगर तुम्हारे पास में तीन चीज हो ना फिर तुम जा सकते हो। अगर कोई ठाकुर जी को पास में जाना चाहते, भगवान को पास में जाना चाहते, इसलिए तुम्हारे पास में तीन चीज होनी चाहिए। पहला नंबर होनी चाहिए पासपोर्ट, सबसे पहले पासपोर्ट। कहते पासपोर्ट क्या है? बोले गले में तुलसी की कट्टी है, गले में तुलसी की कट्टी ये पासपोर्ट। अगर तुम्हारी गले में तुलसी कट्टी हो गई ना तुमको गोलोक वृंदावन जाकर तुम्हारी पासपोर्ट बनेगी। देखो ये जो गले में हम तुलसी कट्टी धारण करते हैं इसको कोई लकड़ी मत समझा करो। आप लोग तो हिंदू हो, आप देखना सालक राम के साथ में तुलसी की शादी होती है, देखे हो? कौन कौन देखे क्यों होती है? ये जो तुलसी है सालग्राम का नारायण, ये तुलसी कौन है? ये साक्षात लक्ष्मी है। अगर इसकी गले में तुलसी कट्टी मतलब है तुम्हारी गले में तुलसी कट्टी मतलब माँ लक्ष्मी आ गई, माँ लक्ष्मी की निवास हो गई, पहला नंबर है। दूसरे नंबर पर आप देखना, आप जैसे हम कहते ना चलो वृंदावन धाम चलो, बोले क्यों? बोले वृंदावन में बांके बिहारी है, वृंदावन में बांके बिहारी, इसलिए कहते वृंदावन। वृंदावन मतलब तुलसी, वन मतलब वन, जहाँ तुलसी का वन वहीं पर ठाकुर बांके बिहारी, इसलिए तुलसी में कौन है? बोले तुलसी में साक्षात बांके बिहारी। जिनकी गले में तुलसी कंठी है उसको गले में कौन कौन आ गए? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण की निवास हो गए तुम्हारी गंत में। आप देखना जैसे ठाकुर जी को भोग लगाते हो, भोग लगाते हैं नहीं तुम लोग? लगाते हैं ना। कहते छापान भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नाय नाय। भले ही ठाकुर जी को जो कुछ तुम दे दो जब तक उसमें तुलसी पत्ता नहीं देते हो ना ठाकुर जी उसको ग्रहण नहीं करते हैं। उसी तरह ये जो शरीर है ये शरीर में केवल टाटी पैसा खून पी और उसमें कुछ है नहीं ये शरीर में, लेकिन जब हम गले में ये तुलसी कंठी गले में धारण कर लेते हैं कभी जो शरीर है ना ये ठाकुर जी के चरण में ये समर्पित हो गया। आज से तुम्हारी ये शरीर शरीर नहीं गया, किसके चरण में समर्पित हो गया? बोलो किसके चरण में? ठाकुर जी के चरण में। इसलिए गले में तुलसी कंठी धारण करना बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरत है। इसलिए पुराण में बताए जिनकी गले में तुलसी कंठी है जैसे स्नान करो ना उसका पानी सारा शरीर में जाएगा। अब जैसे कोरोना आया था ना कोरोना, अगर जो व्यक्ति तुलसी पत्ते को सेवन करते थे उनको इतनी इम्यूनिटी बढ़ जाती थी कब भी उनको कोरोना नहीं। इसलिए पतंजलि में रामदेव बाबा का देखना तुलसी जूस है, जिसका पेट साफ नहीं होता है, कोई बीमारी आंख का कान का देखना वो बिकता है, 200 बीमारी की मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में, 200 बीमारी की, इतने इसकी महिमा है। इसलिए क्या करनी चाहिए? नहीं नहीं आवाज यहाँ से आ रही, हरी बोल, ये आवाज यहाँ प्रभु जी कुछ कुछ हवा गले में, आप चुपचाप बैठे कथा सुनो, आप चिंता मत करो, ये हवा गले में हो जो नहीं आवाज यहाँ से आ रही, आप चुपचाप बैठो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए कहते इसमें 200 बीमारी की मेडिसिन है तुलसी वृक्ष में। इसलिए पुराण में एक श्लोक आया है कि जिसकी गले में तुलसी कट्टी जैसे स्नान करो ना उसका पानी सारा शरीर में जाएगा, पहला नंबर तो सारे बीमारी को निकाल देगा। दूसरा नंबर में बताए पृथ्वी में जितने तीर्थ है सब तीर्थ में घर में बैठ बैठ कर स्नान हो जाएगा जिसकी गले में तुलसी कट्टी है। पृथ्वी में कितना तीर्थ बता रहे आपको? बोले 6 अरब। कितना? 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़। 6 अरब कितना हो गया? 600 करोड़। तीर्थ में घर में बैठ बैठे तो तुम्हारी नहाना हो जाएगा जिनकी गले में तुलसी कंठी और स्नान करते इतने महत्व है। इसलिए देखना भगवान राम को कृष्ण को नारायण को तुलसी की माला ठाकुर स्वयं पहनते हैं। कौन पहनते हैं? ठाकुर जी स्वयं गले में तुलसी की
माला ठाकुर जी पहनते तुम्हारी हमारी की बात छोड़ दो, इतने महिमा तुलसी कहती। इसलिए जब महाराज जब तो बोले बोले देखो जो व्यक्ति ठाकुर जी के भजन करते हैं ना उनको हमारी पास मत लाया करो। जब तू तो पूछे प्रभु पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता, तब उन्होंने उदाहरण देकर समझाए। बोले दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के हैं? कहते एक पालतू और एक फालतू। कहते पालतू कुत्ते आप देख लेना गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है ना, देखने से पता चलता है इसकी किसी घर की कुत्ते हैं, इसे देखना उसको कोई नहीं मारते किस घर की कुत्ते हैं। लेकिन दूसरे कुत्ता फालतू बोले जिनकी गले में कोई पट्टा नहीं, आप देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए जिनकी गले में तुलसी कट्टी है ना वो पालतू है। किसके पालतू है? ठाकुर जी के, बांके बिहार के पालतू। मैं नहीं कर रहा हूँ ये, जब जब दूतों को कह रहे हैं कि तू भक्ति नहीं करते उनको पकड़ करके ले आना। बोले क्या लक्षण? बोले तीन लक्षण। देखे श्लोक है बोले ललाटे तिलकम लगाते हुए तिलक लगाते कंठे त्रिकंठी का गले में तुलसी की कंठी धारते हैं हृदय नास्ति गोविंद और तीसरा क्या है भगवान की ये प्रभु प्रभु की माला जप करते हैं। ये मैं नहीं जप स्वयं कहते हैं, कोई कोई कहते ना अरे भक्ति करना तो अंदर में करना दुनिया को दिखाते हो, तिलक लगाना गले में कंठी पहनना क्या जरूरत है? मन मन में करना दुनिया को दिखाने का क्या जरूरत? देखो संत लोग क्या उदाहरण देते, एक साधवा और एक विधवा। एक सधवा स्त्री हमें पता कैसे चलता है सधवा? सिंदूर लगाते हो, मांग भरती हो, मंगल सूत्र पहनते हैं, हाथ में चूड़िया पहनती है, नाक में बेसर, कुछ चिन्ह से पता चलता है ये सधवा है ना सधवा। भैया पति तुम्हारी कब से बने? पति कब से बने? शादी से पहले भी मतलब था नहीं, कब तक रहेंगे? जब तक सही, अगर बीच में ज्यादा लड़ाई होगी तो डाइवोर्स हो जाती है। जब दो दिन के पति के लिए जो मरने वाले उसके लिए अगर तुमने इतने मांग श्रृंगार धारण कर लिए हो, जो तुम्हारी जन्म जन्मांतर का पति है, जो असली पति है, पति का भी जो पति परमात्मा है, उसके लिए तुम्हारी क्या चिन्ह है? क्या चिन्ह तुम्हारे पास में? जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है ना, देखना जब तक अपना यूनिफॉर्म नहीं पहनता है वो स्कूल में घुसने नहीं देते। पढ़ाई को साथ में यूनिफॉर्म का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बगैर इन भ्रम के अंदर में घुसने नहीं देते। जब साधारण स्कूल में तो आयोजन नहीं हो सकता हो, ठाकुर का स्कूल में कैसे आयोजन हो जाओ? उसको पास में कैसे आयोजन हो जाओगे? देखना कि पुलिस को कैसे पता चलता है उसका ड्रेस से। जब एक जज वकील अपना कोर्ट में जाता है अपना टाई और अपना कोट पहन करके जाता है, नहीं तो घुसने नहीं देते वहां पर। इसीलिए कहते हैं हम जो भगवान को जो प्रेम करते हैं हमारी अंदर में कुछ लक्षण होनी चाहिए। कि मैं नहीं कह रहा, जब स्वयं कह रहे जब तो। इसलिए उसको पहला नंबर पासपोर्ट है। पासपोर्ट क्या हो गया? गले में तुलसी की कंठी। बोले उसको भीजा चाहिए। बोले ये भीजा क्या है? बोले ये तिलक है। ये तिलक हमारी ये भीजा साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड है ना ये भीजा। ये जो तिलक है ना कि साधारण वस्तु नहीं, पुराण में बताया ये जो है ना ये ब्रह्मा है, ये जो बीच में जो खाली है ये बताया ये विष्णु है, और इधर है महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और ये जो ये है ये ठाकुर का दो चरण है, और जो नीचे का भाग देखो जैसे ठाकुर जी के चरण में तुलसी दल देते हैं ना, तुलसी पता देते हैं, इसका सेव तुलसी पता जैसे माना ठाकुर जी के चरण में ये तुलसी दल दिए हैं। कहती भगवान की मंदिर है, हरि मंदिर है, जो केवल ये तिलों को दर्शन कर लेगा कर उसको बांके बिहारी दर्शन करके तो फल मिल जाए। केवल तिलक दर्शन मात्र से इतने महिमा। आप लोग कोई हिंदू है देखना, जैसे कोई अच्छे बिजनेस के लिए कोई जा रहा है ना, हम तिलक लगा देते हैं बेटा जहाँ तुम्हें विजय प्राप्त हो जाए। घर में देखना जो पुजारी पूजा कराने के लिए आता है, जब तक किसको तिलक नहीं लगाएगा तब तो पूजा नहीं करवाता है, पहले तिलक उसको बाद में पूजा करता है। इसलिए पुराण में बताया वैसे पूजा करने से तुमको जो फल मिलेगा, जो व्यक्ति तिलक लगा करके पूजा करते हैं उसको हजार गुण ज्यादा फल मिलेगा। इसलिए देखना घर पर ब्राह्मण आते ही सबसे पहले तुमको तिलक लगाएगा, उसको बाद में करिए पूजा करता है। तिलक के बगैर पूजा तो निष्फल है। इसलिए आप बांके भी आए तो देखो तिलक होगा,
भगवान राम का देखो तिलक होगा, नारायण को देखे हो तो भी नारायण का, नारायण का आधा मुंह देखो तिलक में भरा हुआ है, हनुमान जी को देखो तिलक है, गणेश जी को देखना तिलक है, 33 करोड़ देवता में कोई भी एक देवता को देख लो ना, बगैर तिलक के ठाकुर भी नहीं रहते, कोई देवता भी नहीं रहते हैं। ये जो तिलक आप धारण करते हैं, ये गोपियों का चरण भूलि ये जाता नहीं मिलती है, द्वारका से आता है। एक समय ठाकुर जी को नारद जी ने पूछा, बोले प्रभु जगत में आपके सबसे बड़े भक्त कौन है? बोले समय आने पर बता दूंगा। ठाकुर जी एक दिन जान बुझ कर बीमारी की लीला की, वैद्य को बुलाए, कोई सही नहीं हुआ। नारद जी आए, बोले प्रभु तेरे नाम लेने पर जी भवसागर से पार हो जाता है और तुमको ही बीमारी हो गया, बताओ कैसे सही होगा? बोले कोई मेरे भक्त अगर चरण धूलि दे दे उसमें मेरे को स्नान कराया जाए, मेरी बीमारी सही होगा। बोले नारद दुनिया कहते तुम मेरे परम भक्त हो, चरण धूलि दे। बोले राम 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 राम, प्रभु आपका चरण धूलि दे क्या डर जाऊंगा? बोले यहाँ पर द्वारका में बहुत सारे भक्त से लेकर के आओ, कोई भी देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब उन्होंने वृंदावन में पहुंचे, गोपियों के पास में, गोपों के पास में भैर, उन लोगों ने भैर धूल दिया। नारद जी वृंदावन से इसको सर पर लेकर द्वारका में गए। द्वारका आप लोग कहीं गए हो? द्वारका कौन कौन द्वारका में था? बता एक माता जी गए तो और एक प्रभु जी गए। जो गए हैं आप देखे होंगे, एक तालाब है जिसका नाम गोपी तालाब है, देखे ना, ऊपर देना कृष्ण भगवान का गोपी तालाब, वो वहीं से ये मिट्टी आती है। ये मिट्टी जहाँ तक नहीं मिलेगी, ऐसे रंग का मिट्टी कहीं नहीं मिलेगी, वो द्वारका से ही वो मिट्टी आती है। ये ब्रजवासियों का चरण धूलि है, जिसको स्वयं ठाकुर जी भी स्वयं वो चरण धूलि को ठाकुर जी स्वयं धारण करते हैं, इसलिए ये तिलक की बड़ी महिमा है। ठीक है ना, हम लोग सब तिलक जरूर लगाया करना, ठीक है? और हम लोग जो तिलक लगाते हैं ना, बारह जगह पर लगाते हैं। कितने जगह पर लगाते हैं? बारह जगह पर, एक ललाट में, एक उदर में, एक बक्र स्थल में, एक कंठ में, दक्षिण पार्श्व से, बारह जगह पर ये तिलक को धारण करते हैं। और ये भगवान के बारों का नाम है। मानो ठाकुर जी तिलक रूप में अपना शरीर में ठाकुर जी की निवास है, एक तरह का ये कवच का काम करता है। जैसे आप तिलक लगा करके जाओ ना, आपके शरीर के ऊपर में कोई भूत पिशाच डाके निशाके कोई भी तुम्हारे ऊपर में नहीं लगेगा। अगर तिलक लगा कर कहीं बाहर जाओगे, कोई विपत्ति भी तुम्हारे शरीर में नहीं आएगी, है तुम्हारे शरीर में विपत्ति भी नहीं आएगी, इतने महत्व की तिलक धारण करने का, ठीक है ना? इसलिए ये तिलक की बड़ी महत्व, इसलिए सबके सब क्या लगाना, क्या लगाना है बोलो जोर से, तिलक लगाना। और देखो तिलक ना खोटा नहीं लगाना चाहिए, नियम है खड़े तिलक। अब कृष्णा का नाम को हनुमान को देखना, जो तिलक है वो ऐसे खोटा नहीं, ये तिलक लंबा तिलक, ऊर्ध्व मुद्र, ऊर्ध्व मुद्र मतलब ऊर्ध्व नयति, जो हमें भगवान तक ले जाए, हमें जो ठाकुर तक ले जाए, इसलिए इसका नाम ऊर्ध्व मुद्र। इसलिए देखना कोई भी ठाकुर को देखना, सब तिलक ऐसे होगा, खड़े तिलक होगा, है सब खड़े तिलक लगाने चाहिए। और एक हो गया पासपोर्ट, एक हो गया वीजा, तीसरा चीज क्या रह गया? टिकट, टिकट रह गया है। बोलिए टिकट क्या है? बोले टिकट है ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की नाम ही टिकट है। इसलिए आप देखना, भले जीवन में जो कुछ कर करो, जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, आप देखे अर्थी लेकर के जाते हैं, आप लोग देखे कि नहीं, अर्थी जब ले जाते कौन कौन देखे हो? हाँ तो क्या कौन कौन ले जाते? आप बताओ, उसी समय जो ले जाते हैं, चार व्यक्ति कंधे पर रख करके, आप लोग सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? जोर से बोलो, हाँ सत्य बोलो कहते हैं, यही बोलते हैं ना। ये बात किसको सुनाते हैं? कल ये बात किसको सुनाते हैं? ये बात को वो जो ऊपर जो लेटा हुआ व्यक्ति है ना, जो ऊपर जो लेटा हुआ व्यक्ति उसको सुनाते हैं, ध्यान देकर सुना, उसको ही सुनाते सुनाते ले जाते हैं। बोले क्या सुनाते सुनाते ले जाते हैं? बोले बेटा, जीवन में जितने तुमने राम का नाम लिए, जीवन में जितने तुमने कृष्ण का नाम लिए हो, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है। इसके सिवाय तुमने जीवन में जो कुछ किए हो, कितना सब कोई बात झूठा है। कृष्ण
कृष्णा नाम के बगैर तुमने जो कुछ किया हो, एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रहा है। पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरबार तक जाएगी, उसको आगे पत्नी नहीं चलेगी। परिवार जाएगी तो शमशान तक चलेगी, उसको आगे नहीं जाएगी। तो साथ में चलेगा तो क्या साथ में चलेगा? राम नाम सत्य है। केवल जितने प्रमुख ने नाम जप किए हो बस केवल वही जाएगा, और सब कोई बात जगत में छुटा है। इसलिए बोलते हैं पायों जी मैंने राम रतन धन पायो। जीवन में तुमको क्या मिला? मतलब जितने प्रभु का भजन किया, राम का नाम किया, वही मिला और जगत में सब ही खुबाए। इसलिए जो टिकट है ये भगवान का नाम ही है। इसलिए सबको पहले टिकट ले लो। क्या कर लो? टिकट ले लो। कौन सा टिकट? भगवान की नाम रूपी टिकट ग्रहण कर लो, क्योंकि यही टिकट काम में हमारे आने वाले, ठीक है ना। देखो जो गुरुदेव हमें माला देते हैं, जब गुरुदेव माला देते हैं, अच्छे तरह से सुनो, ध्यान देकर, जब गुरुदेव हमें माला देते हैं, ये माला नहीं देते, गुरुदेव हमें स्वयं ठाकुर जी को देते हैं। आज से तुमको मैं ठाकुर जी को दिया, इसलिए कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम, बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, कारण है
जिंदगी भर प्रभु ने प्रभु का भजन नहीं किया है, राम का नाम कृष्ण का नाम नहीं लिया। ये लोग पता है 84 लक्ष नरक में, 84 नरक में, और उसको 84 लक्ष जन्म में भटकना पड़ेगा। पता नहीं इसको बाद में कौन सा जीवन ठाकुर देंगे, पेड़ पौधा कुत्ते कौन सा जीवन मिलेगा, इसलिए डर रहे हैं। लेकिन कबीर को पूछा तू क्यों खुश हो रहे हो, देख कितने बड़ी बात कहता है, कहते इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ कि जिंदगी में मैंने प्रभु राम कृष्ण का नाम मैंने भजन किया है, प्रभु को मैंने भक्ति की, प्रभु का नाम मैंने लिया है। मेरे को पता है मेरे लिए ध्यान की व्यवस्था होगी भगवान के साथ, क्यों अंतिम समय में यही नाम धन ही मेरे साथ में पूरा के पूरा ये नाम धन जाएगा। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं भी राम बनी गली। कहते जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल होगी, और माया के जो मैंने पूजा आखिरी कंगाल होगी। जिसने ये धन को लूटे है ना जगत में बड़े बड़े साहूकार बने गए, बोले कौन कौन लूटे, बोले तुलसी मीरा और नरसिंह। देखो मीरा का नाम तेजेदार हो गई है ना, तुलसीदास को देखो, हनुमान जी को देखो, शंकर जी को देखो, देवी के नाम क्यों हो रही है, गणेश जी की। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने प्रभु का जिंदगी भर प्रभु का नाम लिया है। देखना माता पार्वती की दूध देव के हाथ, देखना 8 हाथ में, देखना 1 हाथ में माला है। सरस्वती की 4 हाथ देखो के हाथ माला, देखो ब्रह्मा जी की 4 हाथ में 1 देखो का माला है। और हनुमान जी क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति पावन, यही तो करते हैं ना, यही करते हैं। कहते इसीलिए जगत में इनकी पूजा हो रही है। लेकिन जो प्रभु का भजन नहीं किया, कहते मुट्ठी बांधी आया जगत में हाथ पसार जाओगे। इसलिए मीरा कहती है अगर जगत में सबसे बड़ा बनना चाहते हो, जैसे अभी मोदी, मोदी कौन है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, जोगी कौन है हमारे देश का मुख्यमंत्री, कितना साल के लिए बने, 5 साल। अगर उसके बाद में अगर उनकी नंबर नहीं आएगा तो कोई पूछेगा फिर, कोई नहीं पूछेगा उनको। लेकिन हनुमान जी पूछेंगे कि नहीं उनको, तुलसीदास को पूछेंगे कि नहीं, पूजा होगी कि नहीं, इनके नाम जगत में कभी मिटेगी नहीं। क्यों, भगवान के नाम किया है, भगवान की भक्ति किया। कहते अगर जगत में सबसे बड़ा तुम बनना चाहते हो, जगत में सबसे बड़ा पोस्ट बनना चाहते हो, हरि के नाम लो, भगवान की भजन करो, चिरकाल के लिए अमर बन जाओगे। तुम्हारे नाम अमर अक्षर में तुम्हारी नाम लिखी जाएगी, हैं अमर अक्षर में तुम्हारी नाम लिखी जाएगी, गीता भागवत में अमर बन जाओगे, हैं। इसलिए बड़ा बनना चाहते हो, हीरो हीरोइन बन करके नहीं। अभी का बच्चों का बड़ा तमन्ना है बॉलीवुड में सब हीरो हीरोइन बने। सुशांत का नाम सुने हो, सुने हो सुशांत का नाम, सुने पहले मर गए। इसलिए इनका 2 दिन के लिए नाम, 3 दिन में इनका कोई जगत में कोई इनको नहीं पूछते। लेकिन अगर कोई प्रभु का भक्त बन जाते हैं ना, वहाँ चिरकाल के लिए अमर हो जाओ। इसलिए अगर बड़ा बनना चाहते हो भगवान की भक्त बन करके, हीरो बनना चाहते हो हनुमान जैसे हीरो बन जाओ, तुलसीदास जैसे हीरो बनो, हीरोइन बनना चाहते हो मीरा जैसे हीरोइन बन जाओ, गोपियां जैसे हीरोइन बनो, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, भगवान की नाम जप करना है, यही हमारी टिकट है। अगर इसलिए श्री कबीर कहते हैं मैंने इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, प्रभु का मैंने भजन किया, भक्ति किया, राम का नाम लिया, इसलिए मैं बड़ा खुश हो जा रहा हूँ, मेरे लिए बढ़िया व्यवस्था है, ठीक है। इसलिए 3 चीज को पक्की कर लो, तुमको बोलो कि वृंदावन जाने में कोई रोक नहीं सकते, ठीक है ना। हरिनाम करना, अभी हमारे यहाँ पर प्रभु लोग संत लोग आपको थोड़े थोड़े नाम की महिमा सुनाएंगे, कि हरिनाम की इतने महिमा, हरिनाम जप करने से क्या मिलेगा प्रभु। देखो ये जो बच्चा है ना, ये अंग्रेजी अंग्रेजी से सीख रहा है नहीं, लेकिन देखो ये अंग्रेजी है, लेकिन ये अभी हिंदी सीखा है, अभी ये कोशिश करेगा हिंदी बोलने के लिए, तो अंग्रेजी बैठी है, देखो तो अंग्रेजी बैठी है, अभी ये कोशिश करेगा आपको, हैं हिंदी सीखा है, आप कोशिश करेगा हिंदी बोलने के लिए, लेकिन अगर गलती बोले ना थोड़ा बोल देना, फिर भाव को समझना आपको। देखो अभी हमारे बच्चे है ना विदेश जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, विदेश, पैसा तो सुखी होंगे। देखो ये लोग विदेश, देखना पीछे विदेश बैठे हुआ, देखो वो आया रसिया से है, देखो इनके गले में देखो तुलसी कट्टी तिलक लगाए भजन करते हैं। ये अंग्रेजी लोग अभी धीरे धीरे हमारी संस्कृति को अपना रहे, जो रसिया है ना ये रसिया से आया,
किया, उन्होंने सरकार के ऊपर केस किया, जाए तो केस क्या जीती, कहते हमें ये साड़ी पहन के भी पहले जी क्यों नहीं आएंगे, उनको सिखाया ना भारत से साड़ी पहनो, ये इज्जत है माताओं की, हैं? ये कहते साड़ी पहनी करके हम कलेज क्यों नहीं जाएंगे, केस कर रहे केस चल रहा है, लेकिन हमारे भारत की लड़कियां कहते जीन और स्कर्ट पहन करके हम इस कलेज क्यों नहीं जाए, मतलब इतने अदला बदला देखो, वो लोग हमारी संस्कृति को अपनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं ना, शायद उनकी संस्कृति बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत बड़ी चीज है, नहीं हमको पता नहीं, हम लोग विदेश गए हैं, मैं विदेश जाता हूँ, प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, कोई नहीं है, आप जिंदगी भर भले ही इसके लिए कुछ करो ना, थैंक यू बोलकर वही खत्म कर देते, पति पत्नी अगर कहीं जाएंगे, मैं गया था कहाँ पर गया था, मैं गया था अरे न्यूजीलैंड गया था, न्यूजीलैंड गया, एक समय समुद्र किनारे में मैं घूम रहा था, लेकिन देखा हर व्यक्ति को साथ में दो दो तीन तीन कुत्ते लगे हुए, मेरे साथ में गुजराती था भक्त, मैंने कहा ये सबका हाथ में कुत्ते क्यों है, देखो क्या सुनकर देश में क्या चीज है, ये सबके हाथ में सब कुत्ते दो दो तीन कुत्ते क्यों घूम रहे हैं, सब क्या कहता है, तो इसलिए कुत्ते को रख रहे हैं, कहते हैं कि पति को पत्नी को ऊपर विश्वास नहीं, पत्नी को पति को ऊपर विश्वास नहीं, कब चली जाएगी, अब धीरे धीरे उसका हवा हमारे हाथ में आ रहा है, कब ये छोड़कर चल पाते पता नहीं, लेकिन कब से वो कुत्ता था हमें छोड़ेगा, फिर कुत्ता था हमें छोड़ेगा, ये कब छोड़कर चले जाएंगे, तो अभी धीरे धीरे उसकी हवा ना ये भारत ऊपर में धीरे धीरे आ रही है धीरे धीरे, लेकिन बहुत गलती चीज है, हैं? इसलिए कुत्ते को नाम पर कितने लाख डॉलर छोड़कर चले जाते हैं नाम पर, इसलिए हमारी जो संस्कृति है श्रेष्ठ संस्कृति है, देखो ये सब तिलक लगाए गले में कंठी, तुम लोग हम लोग हिंदू है ना, किसी हिंदू को पूछो गीता का कोई श्लोक बोलो, बोलो कोई श्लोक नहीं, पूछो इनको कौन हीरो का नाम कौन हीरोइन का नाम सब याद है, सारे कंठी चीज को याद कर देंगे, लेकिन कोई हमारी संस्कृति की चीज को कोई याद नहीं करते हैं, कोई याद, मैं एक मुसलमान बच्चे 10 साल का बच्चे बच्चे का पतंग उड़ा दू, मैंने पूछा तेरा नाम क्या, एक नाम बोले, पता चला ये मुसलमान है, मैंने कहा तेरे को पुराना आती है, छाती फुला कर बोले मेरे को पुराना आती, बोले सुना वो झटा झटा पुराना सुनाया, मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितने साल उम्र में ये तुमको पुराना सिखाई जाती है, देखो क्या कहता है, बोले 2 साल उम्र में जब बच्चे को होता है कंपलसरी उनको कुरान पढ़ाया जाता है, देखना शुक्रवार के दिन टोपी पहना कर रोड बंद कर देते हैं, हमारे हिंदू में एक हिंदू को मैं पूछता हूँ कौन हिंदू अपना बच्चे को बोलते गीता पढ़े, स्मार्टफोन पकड़ाते हैं जिससे जीवन बर्बाद हो जाए, इसलिए हमको पता है कि नहीं अंदर की बात, हर साल में ये क्रिश्चियन और मुसलमान हमारे 10 लाख हिंदुओं को क्रिश्चियन 10 लाख हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, हमारे हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं धीरे 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 धीरे, क्यों हमारे धर्म का प्रति कोई विश्वास नहीं, किसी बच्चे को हम अपना संस्कृति शिक्षा नहीं देते, किसने आकर के हमारे बड़े गुरु जी को बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे गुरु जी क्या बोले, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया, बोले नहीं, बोले रामायण पढ़ोगे नहीं पढ़ाओगे नहीं बच्चों को तुम क्या सम्मान करेगा, कहाँ पर लिखा हुआ पिता माता की सेवा करनी चाहिए, कहाँ पर लिखा हुआ सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छुआ, कहाँ पर लिखा हुआ पिता जब शयन करते हैं पिताजी की चरण सेवा कर, कहाँ पर लिखा हुआ, ये रामायण में लिखा हुआ है, रामायण देखे हो गौरव देखे हाथ उठा दो देखे हो, आप देखना जब दशरथ महाराज शयन करते हैं आप देखे ना राम स्वयं जाकर पिताजी की चरण की सेवा करते हैं, भगवान कहते प्रात उठ नहीं रघुनाथा पास मीत गुरु नमई माता, भगवान सवेरे उठ गए सबसे पहले पिता माता की चरण छूते थे, अभी पूछो कौन अपना सास ससुर के चरण छूते हैं, कौन अपना पिता माता के चरण छूते, कमी हमारी अंदर में, हम अपना बच्चों को कोई अच्छी संस्कृति हम सिखा नहीं देते, स्मार्टफोन देते हैं और उल्टा उल्टा चीज पिक्चर और पता नहीं क्या क्या बच्चों को सिखाते, ठीक है ना, इसलिए आप अगर चाहते हो तुम्हारी घर क्या अयोध्या बने, अयोध्या मतलब क्या जहाँ पर युद्ध नहीं होता है, अवध मतलब क्या जहाँ पर कोई मरते नहीं, अगर चाहते हो ना घर बने क्या करो घर में रामायण रखो, घर में क्या रखो रामायण पढ़ो,
पहले 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 माताएं तो पढ़ती थी ना, सुंदरकांड पढ़ती थी, गीता पढ़ती थी, अभी धीरे धीरे बच्चों को अंदर से ये संस्कार एकदम घटते जा रहे हैं। बच्चे सबसे ज्यादा नालायक होते जा रहे हैं, पिता माता की कोई आदत नहीं पालन करते, पिता माता को कोई बात नहीं सुनते। ठीक है, क्या करो, पहले खुद बदल करो। पहला संस्कार माता पिता से पड़ेगा, किससे पड़ेगा? पहला गुरु कौन है? माता है। दूसरा गुरु कौन है? पिता है। माता और पिता पहला गुरु है, इसलिए इनसे ही पहले संस्कार, इनसे ही संस्कार, इनसे ही संस्कार पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए अगर चाहते हो तुम्हारी तरह अयोध्या बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? अयोध्या मतलब जहाँ पर युद्ध नहीं होता था, है अवैध मतलब जहाँ पर क्यों मरते नहीं। फिर अगर ऐसे चाहते हो, घर में कौन सा पुस्तक होनी चाहिए? घर में रामायण। घर में क्या होनी चाहिए? रामायण होनी चाहिए। ठीक है ना, इसलिए भगवान राम क्या शिक्षा दिया, उन्हें अपना पिता की आदेश पालन करने के लिए उन्होंने कितना साल के लिए भगवान वनवास गए थे? बोलो कितना साल के लिए गए थे, जोर से बोलो, 14 साल के लिए गए थे। आप बताओ तो अपना बेटे को 14 दिन के लिए तू मेरे आदेश पालन करने के लिए जाएगा? 14 दिन के लिए हनीमून मनाने के लिए जा सकता है, घूमने के लिए जा सकता है, लेकिन पिता माता की आदेश पालन करने के लिए नहीं जा। कमी क्या, हम घर में रामायण नहीं पढ़ते, रामायण नहीं पढ़ते हैं, बच्चों को स्मार्टफोन देते हैं, हैं? उल्टा पुल्टा चीजें बच्चों को देते हैं, इसलिए हमारी सारी घर द्वार सब एकदम चकना चूर हो जाता है, क्योंकि भगवान की कोई आदर्श को हम अपना जीवन में नहीं उतारते। ठीक है ना, इसलिए हरिनाम करो, भजन करो, रामायण पढ़ो, बच्चों को रामायण पढ़ाओ,